हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द केक रूम। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट पिनाटा केक। पिनाटा केक बनाने के लिए हमें चाहिए सिलिकॉन मोल्ड, यहाँ पर मैंने हार्ट शेप मोल्ड यूज़ किया है। मार्केट में आपको अलग अलग शेप के मोल्ड भी अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में मैंने लिया है मोडी की डार्क चॉकलेट, जिसको मैंने डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप रिकॉर्ड नहीं किए, बिकॉज मुझे टाइमली ये ऑर्डर कंप्लीट करना था, इसलिए मैं स्टेप्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड चॉकलेट को मोल्ड में पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और उसको रख दिया हमने ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है, हम तैयार करते हैं उसके अंदर का केक। तो ये हार्ट शेप मोल्ड है, तो हमने केक भी हार्ट शेप बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने राउंड शेप केक की सबसे पहले लेयर रख के आइसिंग कर ली। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स यूज़ किए, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा लेयर यूज़ करूँगी तो वो जो मोल्ड है उसको टच करेगा, तो बेटर है कि हम कम लेयर यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स ही यूज़ किए हैं। हार्ट शेप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्लस शेप में उसका निशान लेकर उसको इस तरीके से 2 पोर्शन कट किए और व्हिप क्रीम को यूज़ करके इन पोर्शंस को ऊपर हार्ट की शेप में इस तरीके से चिपका देंगे और ये प्रॉपर तैयार हो गया हमारा हार्ट शेप में। अब करेंगे इसके ऊपर का डेकोरेशन। उसके लिए यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम को साइड में नहीं लगाया है, बिकॉज ये हम सिर्फ ऊपर से डेकोरेट करने वाले हैं। तो ऊपर यहाँ पर वही मैंने चॉकलेट डच क्रीम को यूज़ करके फ्लावर बना दिए हैं और उस फ्लावर पर मैंने यहाँ पर उसको फॉन्डेंट के जो हार्ट्स और कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स जो है उनको भी यूज़ करके डेकोरेट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो अंदर का केक है वो भी रेडी है। तो केक भी रेडी हो चुका है, तब तक हमारे जो मोल्ड की फर्स्ट लेयर है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम उस पर करेंगे सेकेंड कोटिंग। तो सेकेंड कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने फिंगर से अच्छे से उसको सारे कॉर्नर्स को फिल कर दिया है। डीमोल्ड करने के लिए आपको इस मोल्ड को पहले सारे कॉर्नर्स जो है वहाँ से फ्री करना होगा। तो इस तरीके से आप कॉर्नर्स फ्री करने के बाद उसको फ्लैट सरफेस पे रख के एक ही साइड से उसको धीरे धीरे जो हमारा जो सिलिकॉन मोल्ड है उसको निकालेंगे। और यहाँ पर हमारे जब निकालते समय यहाँ पर कुछ पोर्शन टूट गया था, जिसको हमने चॉकलेट लगा के वापस फिर से इसको चिपका दिया। तो ये ज़्यादा नहीं टूटा था, कभी कभार होता है कि ये ज़्यादा भी ब्रेक हो जाता है। तो बेटर है आप धीरे से उसको पहले से ही सावधानी के साथ निकालें। अभी हमारा जो केक है उसको यहाँ पर इसमें सेट करने वाले हैं। तो केक के ऊपर हमने इस मोल्ड को लगा के जो हमारा रेड रिबन है, लेस जो होती है, उससे इसको यहाँ पर नोड बना दिया है। ऊपर से डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट थी उसी से इस तरीके से पाइपिंग बैग में फिल करके यहाँ पर उसके ऊपर भी कुछ लगा दिए स्प्रिंकल्स, और जो हमारे फॉन्डेंट के हार्ट्स थे उनको भी इस हार्ट के ऊपर चिपका दिया है। तो यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा चॉकलेट पिनाटा केक। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।